नमस्कार, इंडिया टाइम आपका स्वागत है। देखिए हमीरपुर, दिन दहाड़े मारी युवक को गोली, गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल के लिए रेफर। कस्बे में दहशत का माहौल, भारी पुलिस बल घटना स्थल पर मौजूद। पूरे नगर में दहशत का माहौल, सूचना मिलते अगला अधिकारी मौके पर पहुंचे जांच के लिए। मामला जनपद हमीरपुर के मौदा कस्बे का। आज सुबह जैसे दिन चढ़ा और जनजीवन सम्मान हुआ ही था कि मंडी गेट के निकट गोलियों की आवाज सुनकर लोग सकते में आ गए। कोतवाली क्षेत्र के पिपरौंदा गांव निवासी राजू प्रजापत जब अपनी मोटरसाइकिल बनवाने के लिए वारिस सर्विस सेंटर गया था, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोग आ गए और उस पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करने लगे। इतना ही नहीं, जब उसके बाद हमलावर ने गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आनंद फानंद ने कोतवाली प्रभारी विक्रमजीत सिंह ने घायल को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जी सर, फायरिंग हुई, क्या मामला? ये आप पीछे देख रहे हैं, यही घटना स्थल है। यहाँ पे एक लड़का आया था पिपरौदा गांव का, वो अपनी सर्विसिंग करा रहा था। फिर दूसरे पिपरौदा गांव के ही दूसरे ग्रुप ने, उसमें दो तीन आदमी, चार या पांच की संख्या बताई जा रही है, वो लोग आए, उसके साथ मारपीट किए। इसी में राजू प्रजापति नाम के एक लड़के को गोली लग गई है कंधे में, उसको अस्पताल भेजा गया है, उसकी स्थिति ठीक है। बाकी जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है या कैसे गोली चली है, कहाँ चली है, कैसे चली है, पूरा डिटेल इसकी छानबीन की जा रही है। संबंधित क्षेत्रों में पार्टियां रवाना हो गई हैं, डिविजन चल रही है, जो भी आवश्यक तत्व होगा आपको प्राप्त किया जाएगा। क्या सर, वो अभी पकड़ा गया, अभी नहीं पकड़ा गया? हमारी टीमें लगी हैं, जैसे गिरफ्तारी हो जाएगी आपको अवश्य।